हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लाया हूँ इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसों को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, आइए समझते हैं। देखिए, ये हेडिंग हमारा इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस। तो हमें ये सिंपल पास्ट के करने हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास वाज दे रखा है, वर्ड रखा है, तो सिंपल पास्ट में आते हैं। अब हमारे पास सेंटेंस है द राधा वाज वेरी वॉइस। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है। वो कह रहे हैं कि इसे जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कीजिए। इंटरोगेटिव का मतलब होता है जिसमें क्या शब्द शुरू में आए, यानी इंटरोगेटिव जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम सबसे पहले करते हैं, वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक, फर्स्ट टाइप का। तो हमें क्या करना है, समझने के लिए दो तरीके हैं। या तो ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसको यहाँ निकाल दें बाहर, तो ये हो जाएगा हमारा वॉज राधा की कंडीशन यहाँ आ जाएगी, वॉज राधा वेरी वॉइस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक तरीका तो यह है हमारे पास, ठीक है, जो डायरेक्टली हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया। दूसरा तरीका मैंने बताया था, हमें एक रूल है जिसे हम वर्ड ऑर्डर बोलते हैं, वो बनाकर यानी उसको लिखकर उसके अकॉर्डिंग रखना। तो उसके लिए भी देखिए, हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, हमें लिखना है इंटरोगेटिव का। तो सबसे पहले क्या होता है, वॉज वर्ब, उसके बाद होता सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव सेंटेंस इसमें बनता नहीं है या नहीं है, तो उसके बाद हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, फिर ओ डब्ल्यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगर हम इस नियम से बनाएंगे इसको तब भी हमारा यही सेंटेंस बनेगा, क्योंकि सबसे पहले इसमें वाज दे रखा है, हमने वाज लगा दिया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद हमारा यहाँ पर सूत्र में सब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद ओ डब्ल्यू है हमारा, तो हमने ये पूरा लिख दिया, लास्ट में हमारे पास अदर वर्ड है नहीं इसमें, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। तो कहना मतलब है, यदि हम इसको ऐसे बनाएंगे कि लिंक जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, इनको बाहर रख देंगे, सब्जेक्ट को अंदर कर देंगे, तब भी बन जाएगा, और जब हम सूत्र के अकॉर्डिंग बनाएंगे तब भी बन जाएगा। तो पहला सेंटेंस हमने जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बना दिया। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, आई वाज नॉट ए प्लेयर ऑफ चेस। वो कह रहा है इसे जो है डबल इंटरोगेटिव बनाना है, डबल इंटरोगेटिव। तो डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी, उससे पहले हमारा जो है क्यू डब्ल्यू होगा। क्यू डब्ल्यू मीन्स जो डब्ल्यू एच फैमिली के मेंबर होते हैं, तो वो आ जाते हैं फिर शुरू में। ठीक है, यानी पर्सन वाचक जो शब्द होते हैं, क्योंकि डबल इंटरोगेटिव कह रहा है तो उसमें हमें नोट भी चाहिए, नोट हमारे पास है, तो हम सूत्र में भी नोट लगा देंगे। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले हमारा क्यू डब्ल्यू, उसके बाद वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट। तो मैंने बताया था कि जब ऐसी कंडीशन हो तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट इसमें लगता है। ठीक है, तो हम इसको देखिए, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये सेकंड वाला सेंटेंस रखना। तो सबसे पहले हमारा क्यू डब्ल्यू है, तो उसको हम लिख देंगे वाई, फिर हमारा वर्ब है वाई वॉज, सब्जेक्ट है हमारा आई, नोट, नोट के बाद हमारा क्या लिख रहा है, लिख रहा है ए प्लेयर ऑफ चेस, ये हमारा पूरा एक साथ आता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है ये, तो ए प्लेयर ऑफ चेस, और लास्ट में हमारा है क्वेश्चन मार्क। ये तो अभी जो सेंटेंस हमारा हुआ है, इसको हमने जो है इंटरचेंज कर दिया है किसमें, डबल इंटरोगेटिव में। अब ये डबल इंटरोगेटिव में चेंज कर दिया हमने, तो ये तरीका है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तुम सबसे पहले उसका जो रूल है, उसका जो कर्म ऑर्डर है, उसको याद रखो, और वो चीज जब तुमने सेंटेंस किए हैं तो उस समय तुम्हें याद रह होंगे। अब नेक्स्ट देख लें एक बार, तीसरा दे रखा हमारे पास वर्ब दे इन द कॉलेज यस्टरडे। तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस आया है, हमें इसे जो है पॉजिटिव में बनाना है। पॉजिटिव मीन्स जो सिंपल प्रेजेंट होते हैं, सिंपल पास्ट होते हैं,
तो सिंपल पास्ट के जो शुरू के सेंटेंस होते हैं जिनमें नोट ना हो तो वो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं। हालांकि पॉजिटिव कह दो, सिंपल कह दो, अफर्मेटिव कह दो, ये सब इन्हीं के नाम है। तो अब हम इसको बनाएंगे, हमें बनाना है सिंपल। तो सिंपल का जो है हमारे पास रूल क्या है कि सिंपल में खास चीज क्या होती है कि सिंपल में सब्जेक्ट हमारा जो है वो बाहर होता है, यानी हमारा शुरू में होगा सब्जेक्ट और जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी अंदर होती है, ठीक है। तो हमने सब्जेक्ट को बाहर रखा और हेल्पिंग वर्ब को हमने सेकंड पोजीशन में रखा। उसके बाद का जो हमारा ये जो पोर्शन बचा हुआ है इसको हम बिल्कुल सेम ऐसे के ऐसे रखते हैं, ठीक, क्योंकि हमसे वो सिंपल बनाने के लिए बोल रहे हैं, इसे सिंपल में बदलो। तो सिंपल का मतलब तो सिंपल ही होता है, लास्ट में हमारे यहाँ पर्सन वाचक है लेकिन हम यहाँ पर फुल स्टॉप बना। तो ये जो तरीका है ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। इसको यदि हम रूल से समझें तो रूल के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले रूल लिखना होगा इसका सिंपल का। तो सिंपल का रूल के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वॉज वर्ब करते हैं, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ओडब्ल्यू। ये तो ये जो हमने अब लिखा है इसी के अकॉर्डिंग हमने इन शब्दों को रखा है। ये दो तरीके समझाए मैंने तुम्हें कि जो थोड़े बच्चे जानते हैं समझदार हैं वो तो डायरेक्टली उसको कर सकते हैं, लेकिन जिनको अभी ज़रूरत है सीखने की तो वो बच्चे डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उनको जो है पहले रूल लिखना पड़ेगा, रूल के अकॉर्डिंग उन शब्दों को रखना पड़ेगा, तब वो जो है उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आज जो है हमने सिंपल पास्ट टेंस के जितने भी थे इंटरोगेटिव या सिंपल या नेगेटिव उनको इंटरचेंज किया है। तो इंटरचेंज माने था आपस में ही अपने ही ग्रुप में उनको चेंज करना, ठीक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, अब मैं इसके ऊपर आपको जो है एक्सरसाइज दूंगा और सही बच्चे उसको करना और देखना कि कितना सही और कितना गलत, ठीक है। कल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।